नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल HP GK स्टडी में। तो गाइज कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मेहनत करेंगे। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो GK और स्टैटिक GK की है, HP GK सॉरी GK GS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना जिसमें आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन के कनेक्शन लेके आए आपके लिए। तो चाहे HP पुलिस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे HRTC कंडक्टर की, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की, हर एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चाहे आपका जो है टैट का एग्जाम होगा जो 15 तारीख को है या नवंबर में आपका एग्जाम होगा, ठीक है, तो सभी के लिए वीडियो बेनिफिशियल है। तो लास्ट तक जरूर देखना और अपने कितने मार्क्स काउंट करते हुए चलिएगा, ठीक है। 26 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन को आंसर बताते हुए चलिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वेन वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड? तो 1885, 1895, 1865, 1890। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1885, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी, ठीक है, याद रखेंगे किसने की थी, ए ओ ह्यूम ने 1885 में, ठीक है। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का वर्णन जो है किस भाग में किया गया है? द इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल? तो पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 या पार्ट नंबर, या ऑप्शन नंबर डी, पार्ट नंबर 7। तो जल्दी से बताएंगे किसमें है। तो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का वर्णन जो किस किस में दिया है, किस भाग में? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, भाग 3 में जो है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के बारे में दिए गए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी प्रयुक्त गैस होती है? द गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट इज? तो एसिटिलीन होता है, मिथेन होता है, एथीन होता है या ब्यूटेन होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? इन विच फील्ड आउटस्टैंडिंग वर्क इज रिकॉग्नाइज फॉर पुलित्जर पुरस्कार? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, या साहित्य और पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ, या पर्यायवाची अध्ययन, या सिनोनिम स्टडी? तो जल्दी से बताएं कि किस क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लिटरेचर में दिया जाता है और जर्नलिज्म में जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। एक पुलित्जर पुरस्कार होता है पुलित्जर, ठीक है, याद रखेंगे पुलित्जर किस में दिया जाता है, याद रखेंगे आर्किटेक्चर में दिया जाता है। कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डाटा इज रिकॉर्ड, फाइल, बिट या बाइट? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बिट इसकी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत की सबसे लंबी सुरंग जोहार टनल जो किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएंगे, भारत की सबसे लंबी सुरंग जोहार टनल है किस राज्य में स्थित है? इंडिया लॉन्गेस्ट टनल जोहार टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? याद रखेंगे इन जम्मू कश्मीर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चंद्र ग्रहण तब लगता है जब? तो कब लगता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं तब लगता है, ये सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब लगता है, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब लगता है, या पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो सूर्य आ जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसको हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच जो पृथ्वी आती है तब चंद्र ग्रहण लग जाता है, ठीक है। तो लूनर एक्लिप्स कब लगता है? तो कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। एक लूनर डे कितने दिन का होता है गाइस? तो याद रखेंगे 14 डेज का होता है, ठीक है, पृथ्वी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, इंसुलिन की कमी का कारण कौन सा है होने वाला रोग है? तो जल्दी से बताएंगे, डिसीज कॉज्ड बाय ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, बेरी-बेरी, डायबिटीज, कैंसर या एनीमिया? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डायबिटीज इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है गाइस, ये हर एग्जाम में आपसे पूछी भी जाती है। तो महात्मा गांधी होगा, मौलाना आजाद होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा, जयप्रकाश नारायण होगा? गाइस साथ साथ में वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा, जो चैनल से नया जुड़ा है वो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेगा, ठीक है। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मौलाना आजाद के साथ है लिखी है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ है लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो जल्दी से बताएंगे, यानी कि इन विच डेट इज लेबर डे सेलिब्रेटेड? तो लेबर डे सेलिब्रेटेड किया जाता है 1 मई को, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, हमीर खुसरो का नाम जो है जुड़ा हुआ है किससे? तो याद रखेंगे सितार के आविष्कार के रूप से, या सरोद के आविष्कार, या तबला के, या शहनाई के? याद रखेंगे सितार के आविष्कार के किन को माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है किसे दी गई है? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है
किसी किसके दी गई है? हु हैज नेपोलियन हैज बीन गिवन टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन? तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो समुद्र गुप्ता इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, जो चीनी यात्री फाइयान किस शासनकाल में, जो है किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? द चाइनीज ट्रेवलर फाइयान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गुप्ता रूलर? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त सेकंड या कुमार गुप्ता? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, जो कवि कालिदास जो है किसके राजकवि थे? तो कवि पोइट कालिदास वाज द कोर्ट पोइट ऑफ होम। तो ये जल्दी से बताएंगे कवि कालिदास जो किसके राजकवि थे? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो कालिदास राजकवि हुआ करते थे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में संदर्भ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किस देश की न्याय प्रणाली से ली गई है? एडहॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज इंस्पायर्ड बाय द जुडिशियल सिस्टम ऑफ विच कंट्री? तो जल्दी से बताएंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय में धर न्यायाधीशों की नियुक्ति जो किस देश की न्याय प्रणाली से ली गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली जो किस देश से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट किसके द्वारा की जाती है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंटेड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो याद रखेंगे अदर जजेस की कौन करता है? तो याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति ही करता है, पर किसके परामर्श से करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, बैटरी में किस तरह के ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस इन बैटरी? तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा से सौर ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारे पास, जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो क्या है गाइस, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करते हुए चलिएगा वीडियो, जिससे और बच्चे भी साथ में जुड़ सके। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, जो पीटी ऊषा की आत्मकथा का क्या नाम है? फ्लाइंग एंजल, या रनर एंजल, या माई स्ट्रगल, या गोल्डन गर्ल? तो गोल्डन गर्ल इसका सही आंसर हो जाएगा, गोल्डन गर्ल जो किसकी आत्मकथा है? पीटी ऊषा की आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, जो है माचिस की तीली पर जो है किसका मसाला होता है? तो हु स्पाइस इज देयर ऑन द माचिस स्टिक्स? जल्दी बताएंगे, फास्फोरस, सोडियम, मैगजीन, या कैल्शियम? फास्फोस का जो है ऊपर मसाला होता है। ठीक है, क्या होता है उसमें? फास्फोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो है कार्बन का अधिकतम प्रतिशत जो है किसमें होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन? पीट, या लिग्नाइट, या एंथ्रेसाइट, या बिटुमिंस? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। सभी को पता है कि शुद्धतम कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट। तो कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें? एंथ्रेसाइट में। भारत में कौन सा कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो बिटुमिंस सबसे ज्यादा पाया जाता है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ये जवाहरलाल नेहरू, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो सभी को पता ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो निम्नलिखित में से कौन सा पानी का शुद्धतम रूप होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट ऑफ वाटर फॉर्म? कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिवर वाटर है, लाइम वाटर है, रेन वाटर है, स्प्रिंग वाटर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेन वाटर इसका सही आंसर हो जाएगा। बारिश का पानी जो है सबसे शुद्धतम माना जाता है। गाइस 23 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो हु इज द ऑथर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, ये जवाहरलाल नेहरू हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इंदिरा गांधी है? 23 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कब हुई थी? तो 1756 में हुई थी, 1761 में, या 1767 में, 1770 में? 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गाइस आज का लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, तारे का रंग जो किसका सूचक है? जल्दी से बताएंगे, तारे का रंग जो किसका सूचक है?
सूर्य से उसकी दूरी का, या पृथ्वी से उसकी दूरी का, या उसके ताप का, या उसकी ज्योति का। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसके ताप का जो है सूचक बताता है, यानी कि इट्स टेम्परेचर। तो गाइज ये थी आज की वीडियो आपकी, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन थे इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन 3 जो आपका रिपीटेड हो चुका 2 बार, तो इसके ऐसे करके आपके जो है 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी वीडियो, तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जो है वीडियो सॉरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जो शेयर करना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको जो है सर्च करना आपने एचपी पुलिस 2023, तो आपको वहाँ पे जो सेम चैनल का लोगो लगा होगा उस चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जो है 350 से ऊपर जो लोग जुड़ चुके हैं वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे ध्यान से। तो जय हिंद, जवाहर, धन्यवाद, ऐसे ही पढ़ते रहिए, हेल्थ गलते में सब्सक्राइब करते रहिए, तैयारी करते रहिए।